एक ऑडियो क्लिप भी वायरल है और ये ऑडियो क्लिप सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टरों के बीच की बातचीत है, जिसके बाद बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको ये ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं पहले। এবং আমাদের উপর বাইরের লোকজন ডিপেন্ড করে এত কিছু করছে, অবভিয়াসলি ভালো লাগছে, বাট আমরা নিজেরাই সাস্টেনেবল নই, বিকজ আরজিগড় হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ সাপ্রেসিং ইটস রাইটিয়াস মুভমেন্টস, তোমরাও জানো যাবে। এন্ড এখানে কালকে একটা ভিডিও এসেছিল যে একটা সিভিক ভলেন্টিয়ার কে অ্যারেস্ট করেছে, ওটা একটা স্কেপ গোট ছিল, সেটা সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুইসল ব্লো করেছি, বাট অথরিটি চেয়েছিল যে হ্যাঁ ওটাতে আমরা ভুলে যাবো, কিন্তু ওরা তো জানে না যে অ্যাটলিস্ট সেইটুকু আইকিউ তো আছে যে মানুষ বুঝতে পারবে ওটা ওর পক্ষে করা সম্ভব কিনা। যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেরকম ইঞ্জুরিজ আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়, মিনিমাম দুই বা তিনজন। কারা হতে পারে, কি সাসপেক্ট করছিস তোর আজি করে ছেলেটা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে, এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে, নাম নিতে পারবো না কারণ দাদা আমি আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না, না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে, এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে, গোটা মুভমেন্টটা আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে। तो ये ऑडियो क्लिप आपने सनसनीखेज सुनी और रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, इसमें जो मोटी मोटी बात निकल कर सामने आई वो ये कि आरजीकर अस्पताल में फैक्ट्स को दबाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कम से कम तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तीसरी बात, इसमें कहा जा रहा है बड़े राजनीतिक लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, मैं नाम नहीं बता सकता। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये ऑडियो क्लिप बहुत कुछ बता देता है। बहुत ऑडियो क्लिप में जो जूनियर डॉक्टर बात कर रहा है उसका आवाज़ सुन के साफ ही समझ में आ रहा है वो डरा हुआ है। जो सीनियर डॉक्टर ने फ़ोन किया था उन्हें कंफर्म कर दिया, जिससे वो बात कर रहे हैं वो आरजी कौर का जूनियर डॉक्टर है, क्योंकि बंगाली में कह रहा था तोरा आरजी कौर छेलेरा की मुने कुर्चिस, अर्थात तुम आरजी कौर हॉस्पिटल के जो जूनियर डॉक्टर हो क्या क्या मतलब यहाँ से निकाल रहे हो। तो जूनियर डॉक्टर जो है वो कह रहा है मोटा मोटा ये जो पूरा यहाँ पे आंदोलन चल रहा है आरजी कौर में वो प्रिंसिपल उनका डायरेक्शन पे चल रहा है, लेकिन वो खुलासा सामने नहीं आ रहा है असली चीज़ क्या है। दूसरा चीज़ उसने जो बताया कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रिलिमिनरी सामने आया है उसमें जो इंजुरीज है कोई भी डॉक्टर उसको देख के कह देगा ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, मिनिमम दो या तीन से लोग थे, तो बाकी के दो और तीन लोग बाकी के दूसरा और तीसरा व्यक्ति कौन थे इसको लेकर सवाल उठ रहा है। तीसरा है ये जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है संजय बोल के उसको स्केप गोट बनाया गया है, ये जूनियर डॉक्टर से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे इतना बुद्धू नहीं है कि समझने के लिए कि इतना बड़ा हादसा वो अकेला नहीं कर सकता, तो किसको यहाँ पे बचाया जा रहा है। इसका मतलब उसका फिर कहना है कि ऐसा कुछ लोग है जिसका फैमिली बहुत हाई प्रोफाइल है उसको बचाने के लिए यह किया जा रहा है, और वो व्यक्ति कौन है ये जो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर बात कर रहा है इसका ही बैचमेट है। वो साफ साफ ये कह रहा है कि मेरा बैचमेट ऐसा कर सकता है हम सोच भी नहीं सकते, हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि मुझे ही मुश्किल हो जाएगा। फिर जो सीनियर डॉक्टर कहता है ठीक है नाम नहीं लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो साफ साफ ये कहता है कि ये जो मूवमेंट चल रही है ये आईवॉश है, पीछे बहुत बड़ा एक घोटाला है जिसको यहाँ पे छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। जब पूछा जा रहा है कि किसने किया ये काम वो सीधा सीधा कहता है कि इंटर्न किया है। अब पुलिस को जब डेफिनेटली ये ऑडियो क्लिप मिलेगी कहीं से भी मिले, अब पुलिस को वो नैरो हो जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन का थ्रो नैरो हो जाता है कि भाई इंटर्न को अब देखना है किसको बचाने की कोशिश किया जा रहा है, कौन हाई प्रोफाइल है, किसको रोका जा रहा है। इसके साथ मैं कह रहा हूँ और भी कुछ चैट्स है जो कि हम बाद में दिखाएंगे अपना दर्शकों को, वहाँ से साफ पता चल जाएगा किस तरीके से एक थ्रेट का माहौल क्रिएट किया जा रहा है और यहाँ कहीं लोगों को
रोकने की, उसका सामने पर्दा डालने की एक कोशिश किया जा रहा है। जी रवि, बहुत बड़ी आहट है कि कोई धांधली, कोई साजिश हो सकती है इसके पीछे, और ये चैट के जरिए या ऑडियो क्लिप के जरिए एक बहुत बड़ी बात खुलकर सामने आ रही है। ये चैट हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें चैट मर्डर को लेकर किया गया है और इसमें साधु मेडिको राय शामिल है। देखिए पहली चैट आप देख रहे हैं, उसके बाद जो दूसरा नंबर पर है रिप्लाई वो देख रहे हैं, हाँ लेकिन क्यों। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं, और क्यों मारा ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा फिर आप चौथे नंबर पर देखिए, क्योंकि हम राक्षसों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और पांचवें नंबर पर जो बात सामने आ रही है, वी आर फेलिंग एज टीचर्स, मतलब हम टीचर के तौर पर फेल हो रहे हैं। तो किस मामले पर फेल हो रहे हैं, साजिश क्या है, क्या चल रहा था, धांधली क्या चल रही थी, इस डॉक्टर को, इस लेडी डॉक्टर को क्या पता था, और क्यों आखिर मारा गया। ये सनसनीखेज हत्याकांड जिसकी गुत्थी पुलिस सुलझाने में लगी हुई